हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप? सब भाइयों, आप सब ठीक होंगे? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने पशुओं को चारा डाल दिया, दूध निकाल दिया है, चाय बना ली है। नितिका लिख के लिए खाना बनाती है, स्कूल जाएगी। और मेरे कपड़े भी धुल चुके लास्ट राउंड के। अभी पशुओं का बाकी का काम मेरा भी पड़ा हुआ है, गोबर वगैरह उठाना, आधे की आटे के अभी तक इस तरह से पूरा काम बिखरा हुआ है। झाड़ू वगैरह सारी लगानी है, पूरा काम अभी पड़ा हुआ है। कुछ हद तक मैंने काम ख़त्म किया और बाकी सारे काम अभी तक मेरे पेंडिंग में है, वो मुझे करने हैं। तो सबसे पहले कपड़े निकाल लेते हैं, लास्ट राउंड के कपड़ों का काम हो जाता है फिनिश, फिर बाकी के काम देखते हैं। मनन बाड़ी में से देख मतीरा तोड़ के लाया, देख कितना बड़ा, क्यों काट रहे हो ऐसे ऐसे? ये देख, बाड़ी में लगा हुआ था और मनन लेके आया और एक उसने काट भी लिया है, बिल्कुल छोटा सा था तरबूज। ये मतीरा, ये भी कच्चा, सब्जी बन जाती अच्छे से, लेकिन इन लोगों ने कर दिया खरा। यहाँ पर सो रहे हैं मम्मी, वानिति का होमवर्क कर रही है और यहाँ छुटकी पढ़ रही है, और ये दोनों कर रहे हैं शरारत। खा रहे हो मनन? क्या खा रहे हो? कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आए? उगेड़ो बाड़ी से। क्यों तोड़ के लेके आए? कच्चे खा रहे हो? नंदू को खिला दो, नंदू को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पतिदेव जी के लिए दलिया, और यहाँ पर मैंने तोरी रख दी थोड़ी सी, उनके लिए तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत दिनों से ना रोटी नहीं खाई है, तो आज भी ना मिर्ची की सब्ज़ी बनाऊंगा। अभी इनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन दलिया ही दो, तो मैं दलिया ही बना रही हूँ। तो शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो सोच रहे हैं रोटी के बिना कमज़ोरी दूर नहीं होगी, तो रोटी खा लेंगे। यहाँ पर लगाती है बिलोना, थोड़ा सा होता है तो देख ची में लगाती है। ये तो हो चुका है, तो अभी मैं तोरी कट करती हूँ और उनके लिए सब्जी बनाते हैं बिना मिर्ची के, तब दलिया भी बन जाएगी। तोरी खुद लेके आए थे एक दिन, लेकिन उनका सौभाग्य ही नहीं हुआ कि वो तोरी की सब्जी खाए। एक सब्जी तब ने बना ली थी और उनके लिए आज बना देते हैं। बाकी काम भी पेंडिंग पड़े, सुबह सुबह का टाइम है। पतिदेव जी की तबीयत ठीक नहीं है, मनीष की नहीं है, तो पूरा मूड रहता है ख़राब। आजकल मेरे यहाँ वहाँ चक्कर चलते रहते हैं, कभी जयपुर कभी जोधपुर, और आजकल मैं सोच रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं दोबारा से। अभी सोच रहे हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके लिए जुगाड़ में हो रहा है, कैसे होगा पता नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ी रकम मांगी है डॉक्टरों ने, तो उसका करते हैं। 2 साल से मम्मी बीमार है, तो खर्च बहुत ज़्यादा उन पर हो रहा था कैंसर की वजह से, और अभी मनीष पर बहुत बड़ा खर्च होने वाला है, तो देखते हैं कैसे होता है। समय पर छोड़ते हैं सब कुछ। तो दोस्तों, तोरी की सब्जी मैंने छोंक दिया बिना मिर्ची के, एक हरी मिर्च डाल दी पतिदेव जी के लिए, बाकी देखते हैं क्या बनाते हैं। सुबह बने थे आलू बच्चों के लिए, तो मम्मी स्कूल लेंगे, आप लोगों को पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पतिदेव जी को बिना पानी की सब्जी पसंद है, सूप की सब्जी, उसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं चाहिए उनको, और बिना मिर्ची की हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे कढ़ी बन गई है, कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, गैस ऑफ कर देते हैं, और तोरी की सब्जी भी बन चुकी है, दलिया बन चुका है, आलू की सब्जी बच्चे स्कूल गया था, अचार रखा हुआ है यहाँ पे बन गया दलिया थोड़ा सा, और यहाँ पर तोरी की सब्जी बिना मिर्ची की, और यहाँ पे छाछ। अभी रोटी बननी बाकी है, बाकी के काम हो चुके हैं, और झाड़ू का साफ सफाई का काम बाकी है, यहाँ की सफाई हो चुकी है, यहाँ की भी साफ सफाई हो गई है, चादर मैंने लगा दिया दोबारा से, और इसकी दीप क्लिनिक बहुत दिन से नहीं हुई है, जला वगैरह कुछ भी नहीं टाए मैंने, मम्मी के बाद भी नहीं टाए, और अभी मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कभी आना जाना रहता है कभी कहीं, तो मन भी नहीं करता किसी काम के लिए, बस ज़रूरी होते वो ही होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना,
आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर से कर दिया करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दिया करो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।